सो गाइस फिलहाल जा रहे हैं हम जू, फिर हम रेडी 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 मैं रेडी और बंटी रेडी। फाइनली हम चल चुके हैं। मौसम भी थोड़ा डूब कर चुकी है, घटा भी हो रही थी बार बार, तो कोई बात नहीं, हम निकल ही लेते हैं जैसे भी होता है। चलो चलते हैं, मिलते हैं रास्ते में। जो आए थे पर ना पंथ मिला है हमें यहाँ पे, मंडे को ना पंथ रहता है, बस बाहर से फोटो खिंचवा लो। आज भी देखने को मिलने का आपको जानवर। तो गाइस बैठने के ना पूरे मजे आ रहे हैं, हमें मजा मिलो या ना मिलो पर इससे जरूर मिलता है। जगन्नाथ प्रेमानंद हो गया। जानवर ही नहीं दिख रहे हमको, बंदर ही दिख रहे, वो भी नहीं दिख रहे, जो के सामने खड़े बंदर भी नहीं दिख रहे। बंदर दिख तो गई, दो बंदर। तो गाइस बस थोड़ा सा मन सा उदास हो गया ये देख कर के भाई हम आए और यहाँ पर जू बंद है। वैसे अंदर से ना बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। तो एक बार बताऊँ यार, यू सीन मैंने सपने में देखा शायद, एक बार बताऊँ यू सीन मैंने सपने में देखा। अच्छा, बहुत पहले की बात है, मुझे यू सीन सर याद आ गया, मैंने देखा ना इसमें कैमरे में, तो मुझे कुछ कुछ सीन याद आ रहा है। नहीं भाई सब हो गए रियल में, ये होता है रियल में। मेरे साथ कई बार ऐसा हो चुका है, मुझे सपने में पहले दिखाई देती है, चार मैं बाद मुझे होते ना मेरे साथ में, तो तब खावे चलने फिर छोले कुलचे खाओगे। मैं कह रही लोकेशन देख लो कोई और, जब आप घर से निकले जा रहा है 11.5 किलोमीटर यहाँ से। चलो बस आगे चल रहे, भागो वहाँ से, आज वो लोग बना लेंगे भाई, हम गए हमारे बन गया बट वैसे भी बहुत मजा आ रहा था। वैसे तो हर जगह मजे ले गए, टिकट ले चुका है, टिकट तो पूरा है। चलो सब तो भूल भी आने लगी। चलो गाइस सुनो, गरम हो रहा है इंजन। चलो तो भाई फाइनली आए थे जू में, बंद का आज मंडे है, मंडे को छुट्टी है, मैं पता नहीं था भाई, और सब निकल चुके थे बाहर, हमें जू से सब लोग आए भाई, सब आ जा रहे, जितने जा रहे सब खड़े हैं टूरिस्ट, सब आ जा रहे हैं, हमें निकल गए। और ये खा रहे अपनी चीज दोनों के दोनों, इधर चने हमारे मंथली मंडे पर, ये भाई कैंसिल हो गया कल से, पोपट बन रहा कल से, कल हम रेडी हुए, कल बारिश पड़ गई, आज आए ठीक जा रहा है, रुक गए थे ना भाई, सामने बाइक स्टार्ट कर ली थी, रुक तो गए थे ना, अब कहाँ चले, अब घर चले, और क्या है यहाँ से, नहीं कहीं वो आस पास में जगह तो होगी, वहाँ चल रहे, कहाँ चल रहे, खाने का टाइम हो गया, डेढ़ बजे आते हैं अभी, तो डेढ़ बजे तो पहुँचे हम घर से निकल गए, शाम तक घूमते रहे बच्चे, यही फोटो खिंचा खिंचा जा रहे सबके सब, मुझे लगा था 12 बजे चले थे, 11:30 बजे चले थे हम, ट्रैफिक कितना था रास्ते में, मैंने टाइम देखा था, 12 बजे कभी घर से निकलना नहीं चाहिए, चलो तो मैंने कहा नहीं था, अरे अपनी बड़ाई करनी बस, सही है, अगर बच्चे फोटो खिंचा खिंचा सब आ रहे, गाड़ी मोड़ो बैठ ले जाओ घर, आओ दर्शन करो जाओ, आओ मिलो सजना, आओ मिलो सजना घर जाओ, सबके सब आओ मेरे दर्शन करो अगर बाहर से बाहर जाओ, फिर हम आओ मेरे दर्शन करो बाहर से बाहर जाओ, बाहर से भाई दर्शन करके जाने पड़ रहे हैं आप सबको भाई, जाना भी सोच रहा हूँ क्या होगा, खिला दिया इसमें ले लो उसे, मुझे पता है नहीं खाने की हो, नो बैठो, गंदी बात, चाचा के पास
चाचू के पास जी। वैसे कितना काम करते हैं यहाँ पे सारे में, नहीं क्योंकि आज तो के नाम भाई चलते हैं, आज तो कोई देखने नहीं आ रहा। मैं नो वीडियो लग चुका है यहाँ पे, देखो कुछ लोग तो बात इतनी आ गई बहुत ज्यादा। जो हमारे यहाँ दिखा है गेट खुला नहीं है, देखो पैसा क्या गेट खुला नहीं है, आगे दिखा पहले हमारे बाद आने शुरू हुए लोग भाई, ये गेट पूरी लग गई और आगे बंद। बस चलो चल रहे कहीं इन चीज़ों में पढ़ लो आप, यहाँ पे आगे गेट बंद होना। सोमवार और होली दिवाली की छुट्टी रहती है हमारा फोकस, मतलब हमारा सोमवार है, सोमवार में आराम चले कहीं बोल रहे हैं वाली बिल्कुल भी। ओ क्या हुआ, तो चलते हैं अपने घर की तरफ, टाइम से आप जाने यहाँ पर। बीच में स्टॉप लिया है हमने थोड़ी देर का, क्योंकि अभी पता नहीं चला था टपकेश्वर भी रास्ते में 9 किलोमीटर की दूरी पे है, तो सोच रहे थे घर पे जाए या टपकेश्वर जाए, तो टपकेश्वर तो कल का प्रोग्राम बना है। वैष्णो चलो पापा के पास, यहाँ पे तो गाड़ी तो नहीं आ रही बेतु की, तो भाई रास्ते में रुके थे वैष्णो को लगी थी प्यास, तो सबके लिए कप रोटी ले ली मैंने और चिप्स मैंने खत्म कर दी, फिर हम की खत्म होगी बड़ी जल्दी खत्म करी दवाई बंटी यार, किसी बात कर रहा था चार खा था मैं दस का हो रहा सही है, पापड़ बना दिया है। अरे यार दवाई और ट्रैफिक देखो कितना सारा है, एक घंटा लग गया वहाँ आने में, और देखो दुकान के अंदर ही पेड़ है, पेड़ नहीं कटवाया। चलते हैं अभी एक प्रोग्राम है वहाँ पे जाना है, बताते कहाँ है। तो गाइस यहाँ पे आए हम, यहाँ पे कुछ फिश पार्क में गए थे ना, तो क्या मिला वहाँ पे? वहाँ पे हमें कूपन मिला था फिश पार्क में। हाँ तो भाई कुछ हमारी किस्मत ज़्यादा तेज चल रही तो आज हम जा रहे हैं, मैडम हमको लेने आई थी तो हम जा रहे हैं कि देखते क्या निकला है क्या नहीं निकला हमारे फिश पार्क में। बट यहाँ पर दो अलाउड है, बट हम कहीं जा रहे थे घूमने के लिए, तो भाई इन्होंने कहा मैं भी चलता हूँ, तो मैं भी चलता हूँ, तो चलते हैं ऊपर तो देखते क्या निकले। सिर्फ हमारे ये पेन आओ पीछे नहीं छोड़ रहा, ये हाथ में रहता है। तो गाइस फिलहाल आए थे छोले कुलचे खाने के लिए, भाई हम रुक गए इस टाइम के सामने खड़े भी, तो एक सब्सक्राइबर भी हमारे यहाँ की कमेंट करती है, वो छोले कुलचे खा के देखता है तुम्हारे यहाँ छोले कुलचे देखता है बढ़िया यहाँ पे खा के, ये खाने रहा क्यों नहीं खा रहा अभी हम बहुत खराब करके आए, घर जाकर बताएंगे दिमाग पका दे हमारा भाई आंटी बंद तो बाहर चल रहा है ठीक रहा चलते खाते छोले कुलचे और दिलाते खा के कैसे लगते हैं भाई। तो भाई साथ चुके हम घर को, हमारी वैसे उसमें सूजी का घर डालोगे साइड का कपड़ा होगा मेरे हाथ से। तो बता क्या है, हम बाहर क्यों रखते हैं बाहर, हमने बैठे चब्बी आएगी बंटी के पास, वो आने का ताजी दवाई बदलने गया था वो, तो चब्बी उस पर रहेगी बैग में, और वहाँ बैठना पड़ रहा है आज का दिन इतना बुरा इतना बुरा। हाँ सुबह से हमारा पोपट बन रहा भाई, सुबह हम उठे नहाए धोए बढ़िया बड़ी जल्दी हुई थे, मगर चल जाएंगे मौसम ठीक है भाई। जू में गए एक्साइटेड थे पूरे जाने के लिए, जू में गए जू बंद। और गाइस हुआ क्या था हम आपको बताते हैं, पहले तो मैं गेट बंद कर लेती हूँ क्योंकि ना बाहर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो वहाँ से आवाज आ रही है। तो हुआ क्या था, हम सुबह नहा धोकर अपना सोच विचार कर तैयार हुए थे कि हम जू में जाएंगे, अच्छे अच्छे जानवर देखेंगे, बंदर देखेंगे, हाथी होगा तो हाथी देखेंगे, वैसे हाथी पता तो है नहीं जू में ठीक है। तो हुआ क्या, हम जू में पहुंच गए, जू में पहुंचने के बाद जू हमें बंद मिला, फिर वहां से एक दो फोटो खींचने के बाद वापस हम चल दिए। तो वहां पे रास्ते में इनके पास एक कॉल आया, हाँ जी तो आप मनीष जी बोल रहे हो क्या, और आपका एक कूपन कोड जो है मिला है और उसमें आपका नंबर आया है, 20 आदमियों में आपको मतलब 20 आदमी चुने गए हैं, आपको इतने सारे आदमियों में से आपका भी नंबर आया है, तो आपको इस पते पर आना है और आपको गिफ्ट मिलेगा, आपको और आपकी मिसिज को गिफ्ट मिलेगा। उसके बाद खुश हो गए, गिफ्ट मिलेगा, गिफ्ट मिलने से तो सब कुछ है, कितने खुश हुए थे। मैं बताती हूँ, हमने उस दिन वहां पर गए थे ना एक्वेरियम पार्क गए थे है ना,
तो वहाँ पे जाने तो बाहर एक भैया बैठे थे, तो उन्होंने इन्हें को एक कूपन दिया था। अब बताओ आगे की बात। कूपन मिला हम जाना, कूपन क्या मिला भाई, इसमें कुछ मिल जाएगा कूपन मिल मिल जाए भैया, कर देता भाई फ्री में देता हूँ, फ्री में तो सारा कुछ छोड़ दे दिया ऐसा क्यों ले गया अपनी तरफ के। तो मैं ले गया भाई, लेने के बाद तो भाई आज रात तक होना है मंडी का। मैं बोल ली भाई यहाँ से मैं कहीं बताओ तुमको आपका कूपन तो मैं हाथ था भाई लिया तो था अपना कूपन, मैं उसमें आपका इनाम लिखना आप क्या इनाम लिख गया भाई को आपको आपको गिफ्ट मिलेंगे दो। मैं चलो भाई ठीक है कहाँ आना वहाँ से आना, हम पहुँच गए वहाँ से भाई, वहाँ गए उनके पास में। उन्होंने भाई श्री राम की कोई की पॉलिसी वोलिसी होती होगी जो भी होती है भाई पता नहीं, मारा दिमाग से ऊपर जाते ना मैं सुनना था दिमाग सड़ गया। तो भाई उन्होंने दबन घंटा मारा पीने सर आप 1 लाख की कराइए आपको 2600 पॉलिसी वगैरह करवाइए, मतलब उसमें जो मतलब दिमाग इतना खराब कर दिया हमारा पॉलिसी वोलिसी बता बता के इमोशनल ब्लैकमेल। आप सर अपने बच्चे के लिए आपको फ्यूचर है आपको अलग होना पड़ेगा, आपकी लड़की है वो हमारे माँ बाप ने बता जोड़ रखा ठीक है, मतलब अगर तुम्हें पैसे बैंक में वो करने हैं और हमें तो ये भी नहीं बताया था कि हम कौन घंटे की वो होगी, घंटे की मीटिंग है हमारी, मीटिंग आ रही होगी भाई कई सारे आदमी नीचे बैठे टेबल पे एक भाषण सा दिया भाई तू है अपना गाना मगर तू होगा वहां जाके एक टेबल अंदर नु बैठा लिया भाई छोटे वाला बैठा था ध्यान लगे किताब किताब पे तू है तू है तू है अंदर का क्या बताऊं तुम्हें। और सबसे बड़ी टेंशन क्या थी वैष्णवी, मतलब वो फ्री नहीं दे रहे थे हमें, हम सो रहे थे अब उठे अब उठे अब उठे, नहीं उठने ही नहीं दे रहे थे हमें, बल्कि वहां से मगर ऐसा है मैडम की मेन बात हो बता दो तुम्हें क्या करना, उनकी पॉलिसी समझ के उठना पड़ा हमें। आज गिफ्ट भी था आज वो भर है आपके लिए बैल जारी पॉलिसी और फ्री में होगी और क्या नाम आपको 2600 महीना देने पड़ेंगे पढ़ा दूंगा दिमाग। हमने तो बोल दे भाई हमारे बड़े हैं मम्मी पापा है उनके बिना कुछ हम कुछ कर लेंगे नहीं, आपके साथ ही होगी आपको तो ना फ्यूचर देना होगा मन के मरी, मतलब ऐसे बात देखो अब जब अलग हो जाते हैं ना तब बात करते हैं, आपका बच्चा हो गया ये कुछ नहीं होगा मम्मी पापा कर रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं गिफ्ट दिया मैं जब कहने लगी आपके लैंग्वेज से तो आप लग रहा हो पुराना हो आपके समझ में देखो भाई समझना नहीं है हम चले अपने घर को बहुत टाइम हो गया मेरी तो बल्कि ऐसी छूट रही थी कि बच्चे सुन सुन के भी अपनी तरीके समझाते कोई ना लिया तुम्हारा टाइम वेस्ट करेंगे, बल्कि हम तो बहुत देर के अपने घर पा जाते जू देखने के बाद, पर इनके दिमाग में पता नहीं क्या था क्या नहीं था, इन्होंने हाँ इन्होंने सोचा भाई गिफ्ट मिला गिफ्ट भी निकाल रहे गिफ्ट निकालो पता ये कटोरी मिली गाइस इतना सर खपा दी है वो आप और क्या चाहिए चार कटोरी मिली है चार कटोरी तो गाइस ये मिला है चले तो गाइस अब इस ब्लॉग का करते हैं यहाँ पर एंड क्योंकि बहुत लंबा हो चुका है और आपको भी सबको बता देती हूँ मैं पहले अगर कोई कूपन कोड वाला मिले ना कभी ना लो बल्कि ना कर दो तुम्हारा क्योंकि टाइम वेस्ट करने वाले हैं हमारा तो बहुत टाइम वेस्ट हो टेंशन ऊपर से भाई वैष्णवी अकेली कैसे रह रही होगी अब हमारा तो ना तो जूदे करके टाइम वेस्ट अलग से हो गया। चलो गाइस व्लॉग को करते हैं यहाँ पर एंड, जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको आज का व्लॉग लगा कैसा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय टाटा जय माता दी राधे राधे।